तुम्हारी बहन का आशिक कमरे में छुपा हुआ है। दीदी आप आज ऑफिस नहीं गई? मेरी छोड़, तू बता अब तक कॉलेज क्यों नहीं गई है? कॉलेज मैं बस जा ही रही थी दीदी। जा ही रही थी, लेट नहीं हो रही है तू? वैसे तो तुझे रोज बहुत जल्दी रहती है कॉलेज जाने की। नहीं नहीं दीदी, बस मैं निकल ही रही थी। एक काम कर, मैं उसी साइड जा रही हूँ, मेरे साथ चल, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं चली जाऊंगी। मैं बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ ना, और अपनी गाड़ी से छोड़ भी दूंगी तुझे, प्रॉब्लम क्या है इसमें? दीदी वो ना, दीदी मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मिस कर दूँ, कल से पक्का चली जाऊंगी कॉलेज। ठीक है तू आराम कर, मैं भी एक काम करती हूँ, आज ऑफिस नहीं जाती, तेरी तबीयत खराब है ना, मैं भी घर में रह लेती हूँ। नहीं नहीं दीदी, इतना भी दर्द नहीं हो रहा है, अगर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी ना तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हनी मैं बोल रही हूँ, मैं रुक जाती हूँ तेरे साथ, तुझे अकेले डर लगेगा घर में। दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऑफिस जाइए, मैं रेस्ट करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। हनी मुझे एक बात बता, तू मुझे इतना फोर्स क्यों कर रही है ऑफिस जाने के लिए? दीदी मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि मेरे चक्कर में आप छुट्टी करोगे खामखा, आपका ऑफिस मिस हो जाएगा ना, मैं रेस्ट करूंगी ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी छोटी बहन की तबीयत खराब है और मैं ऑफिस चले जाऊं? मैं एक काम करती हूं कि आज मैं भी छुट्टी ले लेती हूं और तेरे साथ घर रुक के ना तेरी देखभाल करूंगी। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ, आप प्लीज जाइए। तुझे डर लगता है अकेले में, पता है ना, और तू रोज मेरे साथ मेरे रूम में सोती है डर की वजह से, तो मैं एक काम करती हूँ, आज मैं तेरे रूम में सो जाती हूँ तेरे साथ। नहीं नहीं दीदी, आप प्लीज अपने रूम में सो जाइए जाके, मैं अपने रूम में सो जाऊंगी ना तो मेरा ठीक हो जाएगा पेट में दर्द। सच सच बता हनी, क्या बात है? कोई बात नहीं है, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हनी सच बोलेगी या मैं बताऊं? दीदी सच में कोई बात नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगी? हाँ देखो तुम जो भी हो ना, बाहर निकल आओ, मैं जानती हूँ तुम अंदर कमरे में ही छुपे हुए हो। दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? रूम में कोई भी नहीं है। बोला ना चुप बिल्कुल, और सुना नहीं तुमने, बाहर निकल के आओ। दीदी जब घर में कोई है ही नहीं तो बाहर निकल के कौन आएगा? बोला ना 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद रख, और तुम चुपचाप बाहर निकल के आते हो या करो पुलिस में कंप्लेंट? नहीं नहीं आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मैं आ गया हूँ। कौन है ये? वो दीदी ये ना मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है? ऐसे कौन रखता है अपने फ्रेंड को छुपा के, और ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसे तूने मुझसे नहीं मिलवाया हो? तू तुषार है ना? क्या दीदी आप तुषार को जानती हो? बहुत अच्छे से। तू जानती है मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में, हिमानी? हाँ मैं जानती हूँ। सुसाइड कर ली थी उसने, याद होगा ना? हाँ। जिसकी वजह से सुसाइड की थी मालूम है वो लड़का कौन है? कौन दीदी? तुषार। क्यों तुषार, याद आया कुछ? बोलता क्यों नहीं अब? हाँ मैं वही हूँ। सुना तूने? और तू जानती है ये सब क्यों हुआ? इस तेरे बॉयफ्रेंड ने ना उसको प्रेग्नेंट कर दिया था, कई महीनों तक ये उसका यूज करता रहा, और बाद जब शादी पे आई तो मुंह छुपा के भाग गया। ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ये कर चुका है, और अब तेरे साथ भी यही करता। लेकिन बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया तूने ये सब, मैं अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, अभी उसकी बड़ी बहन जिंदा है, समझा तू? आ गया ना असली चेहरा इसका तेरे सामने, लड़के यही करते हैं लड़कियों के साथ। और तू खड़ा खड़ा शक्ल क्या देख रहा है मेरी, निकलता है मेरे घर से या पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं जा रहा हूं यहां से। तू मेरे साथ बैठ। I'm so sorry दीदी, मुझे सच में नहीं पता था कि तुषार वही लड़का है, और दीदी प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अरे नहीं नहीं हनी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, अभी तू बहुत छोटी है, अभी तुझ में इतनी अकल नहीं है कि तू अच्छे बुरे का ध्यान कर सके, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू उस लड़के से बच गई। थैंक यू सो मच दीदी, अगर आप आज नहीं होती ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूं ना।